पंजाब में ये सोचा नहीं था क्योंकि ये नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है अकाली दल और बीएसपी का। मैं अब इस समीकरण को आपसे समझना चाहूंगी, पहली बार ऐसा हो रहा है। विपनेश, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी 1996 में कहा जा रहा है कि उस समय भी अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान भी, और वहां पर उस समय भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया था, और उसके बाद अकाली दल बीजेपी के साथ आ गया था। लेकिन जो अब गठबंधन हुआ, क्योंकि नए समीकरण बन चुके हैं, नई राजनीति का आगाज हो चुका है, वर्षों पुराना गठबंधन टूट चुका है, लेकिन वहीं पर जो सबकी जो नज़र है वो प्रदेश के 34% वोटर हैं जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी के वोटरों के ऊपर निगाह है, और बीएसपी का आधार इन वोटरों में अच्छा खासा कहा जा सकता है। और इससे पहले ही अकाली दल ने डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया था कि कोई भी जो एससी कैटेगरी से आएगा तो उसको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो उन्होंने पहले ही दाव खेल दिया था। और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि हम एससी को बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इसी तरह कांग्रेस में भी, क्योंकि अभी जो 3 मेंबरी कमेटी है उसने भी कहा है कि एससीओ को ज़्यादा अब प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जिस तरह के अलायंस अब बनने लगे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अकाली दल को भी संजीवनी मिल चुकी है, बीएसपी को भी एक संजीवनी का काम करेगी। और आज 11:30 बजे श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और सतीश चंद्र मिश्रा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अलायंस की घोषणा कर सकते हैं। और वहीं पर बीएसपी को भी, जो यूपी का तराई क्षेत्र है जहां पर सिखों की बहुतात है, वहां पर अकाली दल का समर्थन भी मिलेगा, और अकाली दल के जो नेता होंगे वो प्रचार करने में भी यूपी में भी जाएंगे, और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती पंजाब में धड़ाधड़ यहाँ पर प्रचार करेगी, क्योंकि जो द्वाबा एरिया है, द्वाबा एरिया में जो बीएसपी की काफ़ी पैठ है, वहाँ पर हरेक, यदि पंजाब की ज़्यादातर सीटों की बात की जाए तो हर एक सीट पर 5,000 से लेके 20,000 तक के जो वोट हैं वो बीएसपी के कहे जाते हैं, कि बीएसपी किसी का भी तख्ता पलटने या उलटने में सक्षम दिखाई दे रही है।